हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे लेसन नंबर 14, ट्रायल बैलेंस पार्ट नंबर फर्स्ट रिवीजन। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लेसन नंबर 13 था लेजर, लेजर की पोस्टिंग किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको कुछ बुक्स दिए हैं, जैसे परचेज बुक दे रखी है, सेल्स बुक दे रखी है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या कैश बुक के आधार पर हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, जनरल आप पढ़ चुके हैं लेजर, और अब आ रहा है नेक्स्ट कंसेप्ट आपका, वो आ रहा है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस जितने भी आपके अकाउंट्स के जो बैलेंसेज हैं, जो लेजर पोस्टिंग हुई थी, जो बैलेंस आ रहे हैं, उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पर हम जो स्टेटमेंट मेंटेन करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, वो ट्रायल बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? देखिए, एक बिजनेस अपनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जानने के लिए कि जो खाते बने हैं, वो अकाउंट जो बने हैं, वो एक्चुअल में राइट है या रॉन्ग है, तो उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जानकारी हो जाती है, गणितीय शुद्धता की पहचान बनती है ट्रायल बैलेंस के आधार पर। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, पहले आपको बताता हूं, उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस, बहुत ही आसान लेसन है ट्रायल बैलेंस का। क्या है इस लेसन के अंदर? इसके अंदर जैसे मान लेते हैं, आपने एक अकाउंट बनाया कैश का, कैश अकाउंट में ये रिसिप्ट थी, ये पेमेंट थी, ये साइड डेबिट क्रेडिट, तो यहां पर टू जो कैश बुक सॉरी और अकाउंट बनाते हैं तो ये साइड डेबिट की है और ये साइड क्रेडिट की, टू जो भी पाया वो इधर, जो गया वो इधर, तो यहां लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, और यही सीडी अगले साल का बन जाता है टू बैलेंस बीडी। तो ये अमाउंट जैसे 5,000 है, आपने, मैंने पहले भी बताया, जो भी अकाउंट हम बनाते हैं, जो साइड ज्यादा होगी वही उसका बैलेंस कहलाएगा। लेजर की पोस्टिंग देखो, सबसे पहले आपने जर्नल में एंट्री की थी, जर्नल से आप लेजर पे आ गए थे, और लेजर से आप ट्रायल बैलेंस पे आ जाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से हम फिर फाइनल अकाउंट बना देंगे, और ये एंड में चला जाता है, फिर दोबारा अगला सेशन फिर शुरू होता है, फिर जर्नल हो जाता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर पी एंड और बैलेंस शीट। तो यही कंसेप्ट हमने, आपने पढ़ा था पहले लेसन के अंदर, ये चक्र यूं ही चलता रहता है इस प्रकार से, यही सिस्टम घूमता रहता है इन एवरी ईयर। पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स, फिर अगले साल जर्नल, लेजर, जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको जर्नल में लेते हैं पहले, फिर लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बना देते हैं, तो फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ए कंपनी। तो देखिए, चलो आपको जिस भी अकाउंट के बारे में, और कुछ अकाउंट के बारे में तो क्लैरिफाइड है, जिनका बैलेंसेस होता ही यही है। देखिए, जैसे अब मैं बताऊंगा आपको, नंबर एक, परचेज का डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जो आपके सामने आएगा, देखिए उसको उसी प्रकार से, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो क्लियर है। सेकंड, सेल का क्रेडिट बैलेंस, परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, सेल रिटर्न डेबिट बैलेंस, ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं, ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं क्रेडिट बैलेंस होता है, जितने भी इनकम हैं उनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। खेल डेबिट और क्रेडिट का ही है। ट्रायल बैलेंस में जो स्टेटमेंट बनेगी वो डेबिट और क्रेडिट के रिगार्डिंग बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्मेट आपके सामने रखता हूँ, ट्रायल बैलेंस ऑफ द एज एट, ये लो भी फॉर्मेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, हियर इज द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस कंपनी का बना रहे हैं? ऑफ, जो भी बना रहे हैं, राम ब्रदर्स। किस तारीख को बना रहे हो आप? एज एट, और ये ऐसे, ठीक है। आपने क्या लिखना है? नेम ऑफ अकाउंट, ये लो दो साइड, क्या बहुत ही आसान है, यहां लिखना नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का कौन सा नाम है,
कैपिटल का है, कैश का है, जो भी है उनके नाम लिखने। एल एफ छोड़ दो, लेजर पोलियो की प्रश्न संख्या पूछ रहा है ये, दो साइड बता दी। बैलेंस जो आ रहे हैं, ये जो बैलेंस आएगा डेबिट का और ये बैलेंस है आपका क्रेडिट का। और डियर स्टूडेंट्स, इनका जोड़ सदैव बराबर बराबर होता है, इक्वल इन एवरी टाइम। यही अगर ये जोड़ आपने जो लिखे आइटम्स जो लिखे हैं आपके सामने, अगर ये बराबर बराबर आता है तो आपका सवाल ठीक है, अन्यथा डियर स्टूडेंट आपका सवाल गलत है। चलो एक एग्जांपल आपके सामने मैं डाल रहा हूँ और उससे क्लियर होगा। चलो ये फॉर्मेट आपके सामने था, लेसन नंबर फर्स्ट ही लेते हैं। उसने लेजर की पोस्टिंग करके सवाल को आपके सामने रखा, हम एक एक बैलेंस को उठाते चलेंगे। देखिए उन्होंने कहा सबसे पहले कैश और बैंक अकाउंट बना रखा है, आपके सामने कैश बुक है तो कैश और बैंक अकाउंट बना, तो आपने यहां लिखना कैश और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। चलो जी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट आपके सामने आया, ये अकाउंट थे, उनके बैलेंसेज कैसा पता लगे? अभी मैंने बताया था जो साइड ज़्यादा होगी वही बैलेंस होगा। कैश का बैलेंस बता रखा है 55,500 और इसका 380,000, तो आपने यहाँ लिख देना है 55,500 और 380,000। अगर ये बैंक में कोई भी बैलेंस हो, कैश का सदैव डेबिट ही बैलेंस होगा, बैंक का कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपके सामने आई कैपिटल, मैंने कल भी कहा था कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। हेयर इज द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का कितना बैलेंस है 2,00,000 रुपए, ये 2,00,000। कैपिटल के बाद दे रखे परचेज अकाउंट, अभी मैंने सीधा बताया था आपको परचेज का डेबिट बैलेंस होता है। परचेज अकाउंट गिवन इज द डेबिट बैलेंस 4,90,000, 4,90,000। उसके बाद परचेज के बाद दे रखे सेल्स अकाउंट, सेल का कौन सा बैलेंस बताया था अभी मैंने, क्रेडिट बैलेंस बताया था, दे रखे 4,70,000, 8,54,000, 8,54,000। सेल्स के बाद क्या दे रखे हैं, दिनेश डेटर या क्रेडिटर, जो भी अकाउंट है डेटर है या क्रेडिटर है। दिनेश का बैलेंस देखिए कौन सा ज़्यादा, कौन सी साइड ज़्यादा है, हमने ज़्यादा की तो ये साइड ज़्यादा थी क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस दिनेश का जो दे रखा है क्रेडिट बैलेंस 58,000। ये लेनदार है, अगर डेटर होता तो ये देनदार होता, अभी पैसे लेगा क्योंकि इसने माल दिया है आपको। गोपाल का कैसा है, गोपाल का डेटर, गोपाल देगा पैसे आपको कितना, 80,000। ठीक है, मैंने कहा था जिनमें नाम होता है उनके साथ अकाउंट वर्ड यूज मत करना, दिनेश गोपाल, उसके बाद दिनेश और गोपाल के बाद आ रहा है नितिन, ठीक है, और नितिन का क्या है, नितिन भी 50,000 रुपये का डेटर है, देनदार है। उसके बाद आपके सामने आ रहा है परचेज फर्नीचर का, रेंट का और ड्राइंग का, फर्नीचर रेंट ड्राइंग और सैलरी और परचेज रिटर्न। ध्यान देना, अभी मैंने एक बात कही आपके सामने, फर्नीचर ये सारी चीज़ के डेबिट बैलेंस, फर्नीचर एसेट्स होती है तो इनके सबके डेबिट बैलेंस है। फर्नीचर का कितना दे रखा है, 25,000, 4,000, 15,000 और सैलरी का दे रखा है 14,500। लेकिन लास्ट में परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है और ये दे रखे आपको 2,000। डियर स्टूडेंट जैसे इनका जोड़ लिखेंगे, जोड़ हमेशा बराबर बराबर आएगा, और इनका जोड़ जो आ रहा है वो कितना आ रहा है देख लीजिए प्लीज़, इनका जोड़ आ रहा है 11,14,000 रुपये। टोटल अगर आपका 11,14,000 दोनों साइड में आ जाता है तो आपका सवाल सही है, अगर ये नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं इसको बनाने में मिस्टेक की है, गलती की है, जिस गलती को आपने देखना होगा। मैं आपके सामने सारी बातें पर्टिकुलर लिख दी हैं कि अकाउंट बनाते समय विशेष रूप से जो ध्यान रखने हैं वो 7 बातें हैं जो आपके सामने आई थी। चलो जी एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं हम, ये इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट था, एक इलस्ट्रेशन और ले रहे हैं और अच्छी तरह से क्लियर होगा। हम आपके सामने ले रहे हैं इलेक्शन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स,
बहुत ही सिंपलिसिटी में अभी आपके सामने रखा कि जैसे वर्ड आपके सामने आएगा तुरंत आपको पता लग जाता है इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। वही थर्ड क्वेश्चन LF, दिस साइड इज द डेबिट एंड क्रेडिट। चलो थर्ड की बजाय मैं आपके सामने फोर्थ ले रहा हूँ, फोर्थ ले लीजिए प्लीज, लेसन नंबर फोर, ताकि फिर आप आसानी से फोर तक कर सकते हैं। फोर देखिए, थर्ड फोर सारे वन से लेकर टू थ्री फोर एक ही जैसा है। सबसे पहले यहाँ लिख रखा परचेज, अभी मैंने क्या बताया था, परचेज अकाउंट कैसा बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस था ये क्रेडिट बैलेंस था। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है हाउ मैनी अमाउंट, 18,20,000। आपने तो देख देख कर सिर्फ ये अनुमान है दिस इज द डेबिट और क्रेडिट, लिखते चले जाइए टोटल इक्वल अपने आप हो जाएगा। उसके बाद दे रखे है स्टॉक एज ऑन ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक था ओपनिंग बनेगा, ओपनिंग स्टॉक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा 3,50,000 रुपए। जो भी वर्ड आते जा रहे हैं, सेल्स, अभी मैंने कहा था परचेज का डेबिट बैलेंस है तो सेल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, और सेल्स का कितना बैलेंस है डियर स्टूडेंट्स, सेल जो है वो दे रखी है आपकी 40,00,000 रुपए। सेल के बाद देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का आप खुद कह रहे हैं ऑल एक्सपेंसेस द डेबिट बैलेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन 15,000, 15,000 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद दे रखे लीज होल्ड प्रीमिसेस, ये एसेट्स होती हैं, लीज होल्ड्स प्रीमिसेस क्या होती हैं, जो पट्टे पर रखी होती हैं, जिनको हमने 5 से 7 साल पर लीज पे लिया हुआ और वो प्रॉपर्टी आपके पास है 5,00,000 रुपए की, ये एसेट्स है आपकी। नेक्स्ट लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के बाद फ्री होल्ड प्रीमिसेस, ये लीज होल्ड हो तो पट्टे पर, ये बिना पट्टे रहित तो होती है, जो पट्टे पर नहीं ले रखी वैसी आपकी प्रॉपर्टी है आपके पास और वो 18,00,000 की। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रीमिसेस के बाद है रिटर्न इनवर्ड्स, देखिए रिटर्न एक इनवर्ड होता है एक आउटवर्ड, इनवर्ड का मतलब आना और आन सेल्स रिटर्न मानी जाती है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है स्टूडेंट्स 25,000 रुपए। रिटर्न आउटवर्ड होता तो क्रेडिट बैलेंस, आउट माने बाहर जाना और बाहर परचेज जो की थी वो बाहर जाएगी। फर्नीचर एंड फिक्चर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट्स होती है, इक्विपमेंट ये भी एसेट्स होती है, इन दोनों के बैलेंस दे रखे 2,90,000 और 8,00,000, 2,90,000 और 8,00,000 रुपए। ओके चलो जो और आगे चलते हैं जब पेज में नेक्स्ट पे आप यहाँ पे आ जाइए, फिर दोबारा ये बैलेंसेस आपने इक्विपमेंट तक कर चुके हैं, इक्विपमेंट का 8,00,000 रुपए का बैलेंस था और ये आपके एसेट्स थी और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं। इक्विपमेंट के बाद क्या दे रखे हैं, रिपेयर्स, रिपेयर के कैसे बैलेंस है, रिपेयर होगी रिपेयर डेबिट होगा, रिपेयर खर्चा होता है और रिपेयर पे कितना किया गया है 5,000 रुपए। नेक्स्ट रिपेयर के बाद डियर स्टूडेंट दे रखा है डेप्रिसिएशन एंड प्रोप्राइटर्स विड्रॉन ड्रॉइंग, डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स का भी डेबिट बैलेंस, कितनी कितनी दे रखी है 80,000 एंड 60,000, 80,000 रुपये ये दे रखी है और 60,000 रुपये ये गिवन है। ड्राइंग्स के बाद देखिए डे स्टूडेंट दे रखे डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर का डेबिट क्रेडिटर का क्रेडिट, डेटर 3,60,000 और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस नाम से विदित है ये तो नाम से आप जान सकते हो 1,20,000। क्रेडिटर डेटर के बाद आ रहा है बैड डेट्स इन्वेस्टमेंट, बैड डेट्स माने पैसे डूब के खर्च हो गए, इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है, बोथ आर द डेबिट बैलेंस, बैड डेट्स 10,000 के, इन्वेस्टमेंट 2,00,000 के, 10,000 और ये है 2,00,000। इन्वेस्टमेंट के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमारे लोन और ब्रोन ये सब लाइबिलिटीज होती हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा इन्वेस्टमेंट का तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 20,000 रुपये। लोन ले रखा आपने कितने रुपए का लोन लिया, ये लाइबिलिटी है आपकी 6,00,000 रुपये, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन के बाद दे रखा है लोन फ्रॉम UTI, एक
ये भी लोन है यूटीआई से, ये भी 8 लाख रुपए का लोन, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद इंटरेस्ट देना है, पेटी कैश है ये डेबिट बैलेंस है, और बैलेंस एट बैंक ये डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट देंगे, पेटी कैश और बैंक का बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस होते हैं 65,434,600 रुपये, ये बैंक का बैलेंस था। और लास्ट में दे रखा है आपका, देखिए इस सवाल में कैपिटल, इस पूरा सवाल किया तो कैपिटल का नहीं पता लगा, और कैपिटल मस्ट जरूरी होती है, तो कैपिटल बैलेंस फिगर ये साइड ज़्यादा आएगी डेबिट की साइड, हमारे पास आ रही 64,15,000 रुपये, 64,15 में से जो ये जोड़ आएगा, इसको जोड़ करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 8,75,000 रुपये, ये आपकी कैपिटल होगी, कैपिटल मस्ट, और जोड़ आपका वही 64,15,000 रुपये। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपने होमवर्क की तरफ, बहुत ही सिंपल मैंने कहा, बहुत ही आसान लेसन है, डेबिट है तो उसको डेबिट में लिख देना है, क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट में, और जोड़ के आ जाएगा बराबर बराबर आ जाएगा, और आपका क्वेश्चन कंप्लीटेड हो जाएगा। देखिए इसमें होमवर्क आपको, प्लीज़ एक्सरसाइज में आपने 1 to 4 तक करना है इन फेयर नोटबुक। इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586369। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय, हैव गुड डे।